कमलनाथ का सवाल, शिवराज को सीएम फेस क्यों नहीं? बुधनी में कलाकार वर्सेस कलाकार का मुकाबला शिवराज ने जो किया उसके लिए क्या नाना दादा का पैसा था? नमस्कार, मैं हूं अंजना, द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, शिवराज ने जो कुछ किया वो क्या उनके नाना या दादा का पैसा था? बीजेपी नेतृत्व से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाए जाने पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बुधनी में इस बार कलाकार वर्सेस कलाकार का मुकाबला है। बसपा और सपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। पीसीसी में कमलनाथ ने बीजेपी से आए कई नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस कार्यक्रम में शामिल होने के पहले कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी पर एक्टर विक्रम मस्ताल को उतारने पर कहा, बुधनी में चुनाव कलाकार वर्सेस कलाकार है। मैं सोचता हूं इन दोनों की डिबेट करानी चाहिए, समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे, वह बड़े कलाकार हैं। मंडला में प्रियंका गांधी द्वारा पढ़ो पढ़ाओ योजना को लेकर सीएम शिवराज के बाप का पैसा वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा, एक साल में शिवराज ने जो कुछ किया वो क्या उनके नाना या दादा का पैसा था? शिवराज को सीएम फेस नहीं बनाने पर शिवराज सिंह द्वारा खुद को फिनिक्स पंक्षी बताने पर कमलनाथ ने कहा, ये सब वो यानी शिवराज बीजेपी को कहे, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दे, क्यों नहीं करती? मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरा साफ प्रश्न है कि बीजेपी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री क्यों घोषित नहीं करती? क्यों इसमें क्यों फंसा रहे हैं आप? सपा और बसपा गठबंधन पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की खबरों पर कमलनाथ ने कहा, हमारी बातचीत हुई है। इंडिया गठबंधन अलायंस केंद्र के लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र से अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। गठबंधन को लेकर बसपा की मायावती से अभी कोई बात नहीं हुई है। भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी हमारा साथ दे, मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं, उनका उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। उन्होंने खुद मुझे कहा कि हम मिलकर हराना चाहते हैं, हमें भी अपनी स्थानीय स्थिति देखनी है, इसमें कुछ मामले फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके कैंडिडेट को सिंबल दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है कि मैं सपा के सिंबल पर नहीं लड़ूंगा, ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। बाकी सीटों पर 2-3 दिन में उम्मीदवार, कमलनाथ ने कहा, कल हमने 144 सीटों की घोषणा की है, इसमें से 65 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं, 19 महिलाओं को टिकट दिया है। ये जो नाम हमने घोषित किए हैं उनके लिए 4000 लोगों ने अप्लाई किया था, कभी भी सर्वसहमति से कोई नाम नहीं आता। मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक कोई दावेदार नहीं मिला जो अपना आवेदन देकर कहे कि मैं हारने वाला हूं। बाकी सीटों का हम अगले 2-3 दिन में प्रत्याशी घोषित कर देंगे, 10,000 के अंतर से हारने वालों को टिकट देने पर। कमलनाथ ने कहा, मैं उदाहरण देता हूं, छिंदवाड़ा की एक सीट है, वहां हम 24,000 से हारे थे। सबने कहा कि उम्मीदवार 24,000 से हारा था, लेकिन वो इस बार 25,000 से जीत गया। हम यह बात हम जरूर देखते हैं कि कितने वोट से और क्यों हारा, क्योंकि बीएसपी ने वोट खींच लिया, किसी और पार्टी ने वोट खींच लिया, बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर जीते तो क्यों जीते, कैसे जीते, अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और वह जीत गया, हमें यह भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि तीसरे कैंडिडेट ने किस पार्टी के वोट खींचे, इस पर ध्यान देना पड़ता है। यह सब हम 3-4 महीने से कर रहे हैं। कितनी सीटें जीतेंगे इस सवाल पर मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, कितनी सीटें जीतेंगे अब की बार 200 पार, यह सब मैं नहीं बोलता। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि यह शिवराज सिंह का स्टाइल है। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में है। बीजेपी से आए लोगों को टिकट देने पर हमने दिया है, बीजेपी से हमने उन लोगों को लिया जहां हमारी पार्टी राजी थी, जो बीजेपी से आया उसके साथ कांग्रेस का संगठन साथ आया। कोई ऐसे हेलीकॉप्टर से आ जाए यह मैंने नहीं होने दिया। कांग्रेस के संगठन के लोग सब साथ में मंच पर बैठे थे, कांग्रेस के संगठन ने जहां चाहा वहां हमने टिकट दिया। बहुत सारे बीजेपी के लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये चुनाव प्रत्याशी और पार्टी का नहीं। कमलनाथ ने कहा, प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को किसी उम्मीदवार किसी पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है, किस तरह से हमारा राज्य चौपट प्रदेश बन गया है, हर व्यवस्था चौपट है, चाहे शिक्षा व्यवस्था देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें, जहां देखो वहां सब चौपट है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में हम नंबर 1 है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।